अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रहमान और आप देख रहे हैं टिकूबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सस्ता टिकट डॉट पी के का ऐप है, इसके ऊपर आप लोगों ने अकाउंट किस तरह बनाना है, इसके ऊपर आप लोग होटल, बस या फ्लाइट का टिकट आप लोग किस तरह उसका बुकिंग कर सकते हैं, सो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों, सस्ता टिकट डॉट पी के का जो ऐप है, इसके ऊपर आप लोगों ने अगर बस का टिकट लेना है या फ्लाइट का टिकट लेना है तो इसके ऊपर आप लोगों को इंतहाई कम मुनासिब यानी सस्ते दाम में जो है ना आपको टिकट मिल सकता है। या अगर आपने कहीं जाना है, होटल बुक करना है, तो वो होटल भी आपको इंतहाई मुनासिब कीमत में आप लोग इसके ऊपर बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने प्ले स्टोर पर जाना है और ये ऐप आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है सस्ता टिकट डॉट पी के नाम से। सो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों ने यहाँ से इसको इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रोफाइल का आइकन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। सो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ। ओके, अच्छा, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप लोगों ने नीचे कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आ जाएगा। सो यहाँ पे कोड आ चुका है और यहाँ पे मैं इंटर करूँगा। कोड इंटर करने के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे है स्टार्ट ना, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे अभी आपने अपना जो अकाउंट है वो आप लोगों ने क्रिएट करना है। जितने भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों ने यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले आता है टाइटल, सो अगर आप लोग मेल है आप लोगों ने मिस्टर सेलेक्ट करना है, फीमेल है सो आप लोग MS सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके। ईमेल आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है, मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने इंटर करना है, फिर आप लोगों ने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट और सिटी। ओके, सो स्टेट में आप लोग जो है ना अपना सूबे का नाम डाल सकते हैं, सिटी में आपका जो भी सिटी है वो आप लोग यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। सो जल्दी से मैं इंफॉर्मेशन फिल करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं अपना नाम सब कुछ यहाँ पर जल्दी जल्दी से इंटर करता हूँ। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप लोगों ने नीचे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप लोग नीचे देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो सेटअप हो चुका है। ओके, यहाँ पे अकाउंट बनाने में इतना कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने अपना नाम और अपना जो सूबे का नाम है, सिटी का नाम है, ओके, ईमेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और आपका अकाउंट एकदम बन जाएगा। ओके, और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप लोगों ने इसके ऊपर फ्लाइट का टिकट किस तरह लेना है, होटल को किस तरह बुक करना है, बस इसका टिकट किस तरह लेना है। ओके, तो सबसे पहले आता है फ्लाइट। सो दोस्तों, फ्लाइट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है। यहाँ पे अगर आप लोग नीचे देखें तो यहाँ पे है वन वे, रिटर्न, मल्टी सिटी। सो अगर आप लोग सिर्फ वन वे यानी आप लोग सिर्फ सपोज करें कि कराची से लाहौर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर वन वे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग टू वे यानी रिटर्न टिकट भी लेना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं कराची से लाहौर और लाहौर से वापस कराची आना चाहता हूं, तो यहां पे रिटर्न टिकट आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। मल्टी सिटी का लेना चाहते हो तो आप लोगों ने यहां पे मल्टी सिटी सेलेक्ट करना है। ओके, तो चलिए हम वन वे सेलेक्ट करते हैं कि हमें सिर्फ जो है ना लाहौर से कराची जाना है, तो यहाँ पर हमने वन वे सेलेक्ट किया। उसके बाद है फ्लाइंग फ्राम, आप कहाँ से जाना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा लाहौर, मुझे लाहौर से जाना है तो यहाँ पर मैं लाहौर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद है फ्लाइंग टू, कहाँ पे जाना है, लाहौर से अपने कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे लाहौर से इस्लामाबाद जाना है। ओके, इस्लामाबाद सेलेक्ट किया। ओके, डिपार्टिंग, ओके, सो किस तारीख पे आपने जाना है। सो यहाँ पे सपोज मुझे जाना है 27 तारीख को, मैंने 27 तारीख सेलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद है, तो दोस्तों यहाँ पर है ट्रेवलर्स, यहाँ पे नीचे है एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट्स। ओके, सो अगर आपका एज 12 ईयर से ज़्यादा है, ओके, सो आप लोगों ने एडल्ट सेलेक्ट करना है। ओके, अगर आपका एज मतलब 2 ईयर से 11 ईयर तक है तो आप लोगों ने चिल्ड्रन सेलेक्ट करना है। ओके, अच्छा, उसके बाद है इन्फेंट्स, सो अगर आपका एज 23 मंथ से कम है या 23 मंथ है तो आप लोगों ने नीचे इन्फेंट्स सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एडल्ट का जो है ना यहाँ पर आ रहा है 1, चिल्ड्रन के सामने भी 0, इन्फेंट्स के सामने भी 0। ओके, तो जितने भी बंदे हैं, सपोज़ करें आप एक बंदा है तो यहाँ पे एडल्ट है तो यहाँ पे आप लोगों ने एक सेलेक्ट करना है। अगर दो बंदे हैं, दो एडल्ट्स है, ओके, सो आप लोगों ने यहाँ पे दो सेलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक बंदा है, उसका एज 12 ईयर से बड़ा है और एक बंदा है तो यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट करूँगा। ओके, उसके बाद नीचे है क्लास, मतलब आप किस किस्म का टिकट खरीदना चाहते हो,
क्लासिक है या आपका बिजनेस है, फर्स्ट है, प्रीमियम है, जो भी है। सो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट इकॉनमी ही सेलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ से नीचे डन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सर्च फ्लाइट का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी ये मुझे शो करेगा जितने भी टिकट्स मौजूद होंगे तो मुझे शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्लाइट ऑन दिस राउट डोंट अफ्रेड। ओके, सो यहाँ पे हमें कोई टिकट नहीं मिला। ओके अच्छा, तो हमें लाहौर से इस्लामाबाद के लिए टिकट नहीं मिल रहा है, यानी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि लाहौर से मुझे कराची जाना है, तो यहाँ पे मैं कराची सेलेक्ट करता हूँ। तो सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं सर्च फ्लाइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाहौर से कराची के जो जितने भी टिकट्स हैं 27 तारीख के ऊपर, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ तो यहाँ पे टाइम भी आप लोग चेक कर सकते हैं, एयर ब्लू का टिकट है और शाम के 5 बजे जो है ना ये लाहौर से जाएगा कराची को, और 6:55 पे यानी तकरीबन 2 घंटे में लाहौर से आपको कराची ट्रांसफ़र कर लेगा। ओके, इसका कीमत 31,000 है। ओके, और उसके बाद प्लाई जिना का टिकट है, तो ये सुबह का है, 7:15 बजे पे आप इसमें बैठ सकते हैं और 9 बजे आप कराची पहुंच जाएंगे। ओके, सो ये भी 2 घंटे का टाइम लेगा। ओके, और इसका कीमत 26,000 रुपये है। ओके, तो ये सुबह का है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे फिर आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और जैसे आप लोग एक फ्लाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिक भी मिल जाएगा, वैल्यू भी मिल जाएगा। अच्छा, इसका जो फैसिलिटीज़ है उसमें थोड़ा जो है ना चेंजेस होगा, और इसका जो प्राइस है वो 1,000-2,000 रुपये आगे पीछे होगा। ओके, तो फिर आपको बेसिक चाहिए, वैल्यू चाहिए, जो भी आपको चाहिए, अल्टीमेट चाहिए। ओके, तो कुछ में आपको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा ये है कि इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग फिर इस टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं। सो जिस टिकट को आप लोग चाहते हैं, सो आप लोग यहाँ से इसको पिक कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से मैं बैक आता हूँ, और ये हमारे पास था फ्लाइट टिकट, उसके बाद है होटल। सो अगर आपने सपोज़ लाहौर जाना है और यहाँ पे आप लोग सर्च करना चाहते हैं कि लाहौर का जो है ना लाहौर में मुझे होटल की ज़रूरत है तो किस डेट पे आपने जाना है, तो वो डेट आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सपोज़ करें कि मुझे 28 तारीख पे जाना है और कितना मतलब अरसा आप वहाँ पे रहेंगे, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा कि मुझे तकरीबन 2-3 दिन या 2 दिन जो है ना मुझे वहाँ पे स्पेंड करनी है। तो 28 जून से लेकर 29 जून तक यानी तकरीबन 2 दिन मुझे चाहिए होटल में। उसके बाद आपको रूम कितने चाहिए, कितने बंदे हैं, सो यहाँ पे एडल्ट्स का ऑप्शन है, जितने भी बंदे हैं आप लोग यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। सपोज़ करें एक बंदा है, 2 बंदे या 3 बंदा, तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास चिल्ड्रन कितने हैं, तो आप लोग चिल्ड्रन का यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। तो मुझे एक बंदा हूँ और एक रूम चाहिए, तो यहाँ से मैं डन करूँगा। उसके बाद सर्च होटल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और लाहौर में जितने भी होटल्स है उसका लिस्ट मेरे सामने आ जाएगा। तो आपको जो है ना एक नाइट का जो है ना और एक एडल्ट है अगर आप, तो आपको तकरीबन जो फर्स्ट हमें होटल मिल रहा है वो 13,000 का है, फिर 23,000 का है, फिर 11,000 का है। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये वो होटल्स है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल्स है। ओके, और आप लोग फिर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ पे मज़ीद जो चीज़ें हैं लोवेस्ट प्राइस आपको चाहिए तो यहाँ से लोवेस्ट कर सकते हैं। ओके, प्राइस रेंज भी यहाँ पे मौजूद है, तो आप लोग प्राइस रेंज को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, और किस किस्म का आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ पे सब कुछ फिल्टर में खुद से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको मतलब इसमें इतना कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ से ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं। उसके बाद आता है बस टिकट। तो अगर आपको बस का टिकट चाहिए तो लिविंग फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन है, आप लोग कहाँ से जाना चाहते हैं, मुझे लाहौर से जाना है, कहाँ जाना है, मुझे सपोज़ करें कि मुझे जाना है यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना सिटीज़ का नाम है, सो यहाँ पे मुझे लाहौर से पेशावर जाना है, किस तारीख़ को जाना है, तो मुझे 27 तारीख़ को जाना है। यहाँ से बस सर्च बस इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मुझे बस का टिकट यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी मतलब 27 तारीख़ पर बस लाहौर से पेशावर जाएगा तो वो उसका जो है ना यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ओके, सो एक का कीमत 2600 है, दूसरे का भी 2600 है, तो यहाँ से आप लोग फिर इसको यहाँ पे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ओके, और अच्छा यहाँ पे आपने सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस टिकट को, चेक सीट्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पे सीट से सपोज़ करें मैं एक के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको बता रहा है कि आप मेल है या फीमेल, सो मैं मेल सेलेक्ट करूँगा
और यहाँ पे ये सीट हमारा जो है ना M9 सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, और बुक का ऑप्शन है, आप लोगों ने बुक के ऊपर क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ओके, और इस तरह आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ओके, पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप लोगों के पास वीज़ा या मास्टर कार्ड है सो उसको आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, उससे तकरीबन 2400 इसका जो है ना प्राइस है, सो आप लोग यहाँ से बुक कर सकते हैं। ओके, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, सो दोस्तों ये हमारे पास है सस्ता टिकट .pk। समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है टिकट की, ज़्यादातर लोगों को बस की टिकट की ज़रूरत होती है और उनके पास अक्सर कोई डाटा नहीं होता, या वो जो है ना फिजिकली नहीं जा सकते, स्टॉप के ऊपर नहीं जा सकते, तो यहाँ से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ओके, और जो है कहाँ से भी आप लोगों ने जाना है तो आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग समझते हैं कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको अच्छी लगी है, सो प्लीज़ लाइक करें। अच्छा, अगर आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रही है तो मुझे बता दे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लूँगा। ओके, अच्छा दोस्तों अगर किसी बंदे को टिकट लेना है, ओके, और वो ऑनलाइन यहाँ पे बुक नहीं कर सकता, तो मुझे बता सकते हैं, मैं उनका हेल्प कर सकता हूँ, उनका जो है ना टिकट में यहाँ से बुक कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ओके, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो के ऊपर एक लाइक दें, चैनल पर नए बार आए सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।